जा रहे हैं लवासा। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि हम हमारा रूट क्या है और हम किसके साथ जा रहे हैं। तो मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ आपको अपने फैमिली मेंबर से। तो ये है हमारे फैमिली मेंबर, ये मम्मी और ये भाई। हाय एवरीवन, आई एम हियर विद माय सिस्टर, विद माय मॉम एंड माय सिस्टर एंड माय एल्डर ब्रदर सुमित सिंह। और हम जा रहे हैं लवासा। कहाँ? लवासा। ज्यादा एक्साइटेड हो गए। आई एम वेरी एक्साइटेड, यू नो, ओवर एक्साइटेड। या आई एम वेरी एक्साइटेड। 2 साल बाद जा रहे लवासा फिर से। आज हम लोग खुल के जी रहे हैं, खुल के शेयर कर रहे हैं, खुल के एंजॉय कर रहे हैं। हाय, मैं पहली बार पुणे आया हूँ एंजॉय करने। अभी हम इधर सड़क पे रुके हैं, थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं। सबकी थोड़ी कमर टेढ़ी हो गई है। हाय मम्मी, सुमित भैया, कैसा लग रहा है? ऑन द वे लवासा पे है। ब्यूटीफुल। रुकिए, तो यहाँ पे हम रुके हैं। एक यहाँ पर पहाड़ है और बीच में एक खाई है, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा फोटो सेशन करेंगे यहाँ पे हम और फिर निकल जाएंगे। बहुत ही अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। गर्मी का मौसम है थोड़ा, लेकिन गर्मी लग नहीं रही है, धूप है, बट इसे हवा की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम आ गए हैं खड़कवासला डैम। नहीं, खड़कवासला नहीं, क्या है, कोई तो डैम है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, रास्ते में पड़ता है, तो मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये है और यहाँ से पानी गिरता है, लेकिन अभी बहुत गर्मी है। अभी एक्चुअली ये मौसम भी नहीं है घूमने वाला, तो यहाँ पानी तो नहीं गिर रहा है, बट अक्सर गिरता रहता है, कई बार हमने देखा है। तो ये हमारा डैम। हम पहुंच गए हैं लवासा सिटी में और अभी तो बहुत धूप है और लोग भी नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है थोड़े शाम होने पे लोग आए, और थोड़ी गर्मी है तो फेब में इतनी गर्मी होगी एक्सपेक्टेड नहीं था, बट स्टिल फैमिली को घुमाना था तो आए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ व्यू। यहाँ पे बस ऐसे ही चिल करते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है, बस यही है जो दिख रहा है, एक झील है। यहाँ पर लोग फोटो सेशंस वगैरह बहुत करवाते हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्टे भी करते हैं लोग, नाइट स्टे करते हैं। यहाँ पे बहुत ही धूप है और इधर कैसे मैं खुद को कवर करके घूम रही हूँ। बहुत गलत डिसीजन था फेब एंड में लवासा आने का, ऐसा लग रहा है। फिलहाल हमने एक मैगी ऑर्डर किया है, यहाँ पर एक छोटा सा शॉप है, यहाँ से हम लेंगे गर्मा गर्म मैगी और खाएंगे यहाँ बैठ के। ये हम हैं, ये कंगारू है और ये हमारी पौरी हो रही है। यहाँ पर क्या चल रहा है क्या बताऊँ, पागल हो गए सब लोग, पागल हो गए। अंडरस्टैंडिंग माय लैंग्वेज, योर अंडरस्टैंडिंग मोइ मोइ हैं, इनको है, ये सोनल है, मम्मी है, पार्टी हो रही है। ए डॉगी, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माय लैंग्वेज। ए डॉगी, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माय लैंग्वेज। अंडरस्टैंडिंग, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माय लैंग्वेज, आई एम कॉलिंग यू, आर अंडरस्टैंडिंग ऑन मोइ मोइ मोइ। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कभी भी लवासा आना है या कहीं भी पुणे में ट्रैवल करना है, घूमना है, तो आप वीकेंड पे आइए, सैटरडे संडे या फ्राइडे को। बाकी सारे दिन बिल्कुल भी एकदम सुनसान सा है, तो अगर क्राउड नहीं है तो अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन अगर आपका खुद का गैंग है बहुत बड़ा, बहुत सारे लोग हैं, तो आप अपने में ही मजा कर सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है क्राउड की या कुछ भी, बट फिर भी थोड़ा हैपनिंग लगता है अगर क्राउड रहता है तो। यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है, बहुत ही कम लोग दिख रहे हैं, लेकिन जनरली ऐसा रहता नहीं है लवासा। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये है एंग्री बर्ड, अब वो गुलेल, उससे मारेंगे निशाने पे। ओए, डिस्को नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब यही करना रह गया है।
बच्चों का खेल है क्या? हाँ। मतलब कुछ यहाँ पर मेरे घर वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं। I'm just enjoying. जो भी दिख रहा है उस चीज से खेलने लग रहा है। निशाना उसको बीच में रखो, बीच में रखो। अगर निशाने पे नहीं लगा तो पार्टी मिलेगी मुझे। नहीं, पार्टी नहीं लगा तो चलो करो फोटो ले लो ना। अरे यार इसके बाद फोटो लेंगे, अभी तुम चला नहीं सकते, मना किए। अरे कर दो यार। पोपट पोपट हो गया। पोल डांस कर रहे हो क्या? हाँ, करो। सॉरी यार, सॉरी, फिर से करो। नहीं देखे पोल डांस, मम्मी देखेंगे ना, फेंक देंगे तुमको इधर ही झील में। ऐसे ऐसे नहीं, अब नहीं, अब नहीं, नीचे आओ। अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं सुमित भैया? बोटिंग करने। बोटिंग करने के लिए जा रहे हैं, और अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर बोटिंग भी होती है, लेकिन अगर आज सैटरडे संडे रहता तो खुला रहता, बट अभी पता नहीं है कि खुला है कि नहीं। बट आई विल शो यू पीपल, आई विल शो यू। आइए आप लोगों को लेके चलते हैं हम अपने शहर लवासा शहर के बोटिंग सेंटर पे। हाँ ओके, कौन कौन करेगा बोटिंग? तुम, मैं, ये 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 हैप्पी पीपल। बोटिंग के नाम पे सब इतने खुश हो गए हैं ना कि क्या बताएं, नाच रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे पार्लर है, आइसक्रीम पार्लर और कुछ कुछ चीजें मिलती रहती हैं। ऐसा बोलते हैं कि ये वाटर मतलब सेल्फ मेड झील है, जैसे भगवान ने बनाया वो नहीं, इंसानों ने बनाया ये झील। बारिश की पानी को रोक के ये पानी कलेक्ट करके बनाया गया है, तो ये यहाँ की खासियत है। और ये सिटी, लवासा सिटी, पहले यहाँ जंगल हुआ करता था तो इधर सिटी जैसा बनाया गया है। तो पुणे के पास एक छोटा सा है लवासा सिटी। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर क्या क्या होता है। ये है अब क्या है क्या पता इसको क्या बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता। बस कुछ तो है, देख लीजिए, पानी के बीच में है और इधर लोग बैठ भी रहे हैं, और इधर आने के लिए भी टिकट लगता है, लेकिन मैं ऐसे ही थोड़ा सा कन्विंस करके आ गई हूँ क्योंकि भाई का वीडियो बनाना है। पर सब लोगों ने हमें अपना बोरिया बिसरी, देखिए मम्मी का बैग, मेरा बैग और कपड़े तो है ही, इधर जैकेट टांगे हुए हैं, इधर सुमित भैया को मोबाइल पावर बैंक पकड़ा दिए हैं और निकल लिए हैं लोग, ईयरफोन दे दिए हैं, मतलब हद हो गई है, मतलब हद हो गई है। हाँ सुमित भैया, परेशान करके रख दिए ना ये लोग नहीं, भाई मेरा परेशान कर रहे हैं। हाँ भैया, भाई का मेरी शादी होगा ना, जब बीवी आएगी तो पता चलेगा, सबको परेशान करके रखा है। वाओ अच्छा दिख रहा है। भैया कितना फीट पानी है? कोई गिर गया तो जैकेट अगर नहीं पहना, मान लीजिए मैं ही गिर गई तो मतलब क्या सॉल्यूशन क्या है? जैकेट नहीं है, जाना ही नहीं है आपको, आपके लाइफ को आपको डर नहीं है? हाँ अगर जैकेट रहा तो फिर तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। ये बोट्स हैं राइड के लिए और बहुत अच्छे दिख रहे हैं, पूरी फैमिली एक साथ एक ट्रिप पे जा सकती है, बहुत सारे हैं। ये
ये है ब्यूटीफुल लवासा सिटी। ये कलरफुल बिल्डिंग्स हैं यहाँ के, माउंटेन है, और इधर इसके बिल्डिंग्स के आगे ही छोटे छोटे शॉप्स हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाए थे, और यहाँ पर बोटिंग का है, और ये यहाँ पर सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, थोड़े ठंडी ठंडी हवा, थोड़ा शाम होने पे मौसम अच्छा हो गया और अच्छा लग रहा है काफी। अभी हमारा फोटो शूट वगैरह सब हो गया और हम निकल रहे हैं बाहर इस प्लेस से। कितना प्यारा लग रहा है ना ये बिल्डिंग्स और उसके रिफ्लेक्शन पानी में। एक है छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप्स, कुछ अलग सा शेप बनाया है। यहाँ पे हम जा रहे हैं खाने को, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। ओके, अच्छा खासा चीज़ अवेलेबल है। ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए यहाँ पे, थोड़ा सा चिल करते हैं, खाते पीते हैं, चल देते हैं। ओ पीपल, अब लवासा का ट्रिप ख़त्म हो गया। और जैसा कि आपने देखा यहाँ पर इतना ही कुछ है करने के लिए, और कुछ ज़्यादा नहीं है। सुमित भैया कैसा लगा? ठीक लगा, मतलब इन लोगों को ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ कोई आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो जस्ट निकले हैं और अभी जाएंगे। कहाँ जाएंगे क्या पता, कहीं तो जाएंगे। तो हम करते हैं अपना ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और फिर मिलेंगे हम। एंड थैंक यू टू ऑल जो भी ये ब्लॉग देखे हैं, सबको थैंक यू। और जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि हमारा व्लॉग कैसा है, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।